दोस्तों क्या आप लोग विंडोज 10 में ब्लूटूथ ऑन करते करते परेशान हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो विंडो है इसके सर्च बार में टाइप कर लेना है ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस। यहाँ पर जैसे आप ब्लूटूथ लिखेंगे तो ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस का ऑप्शन आ गया है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। सिंपली सिस्टम सेटिंग में आपको ये मिलेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं विंडो 10 में। इसके अलावा जो है आप यहाँ से कट करके एक और तरीका है जहाँ से आप विंडो 10 में ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं, वो ये है कि आपको विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देखिए ये जो डिवाइसेस है इसमें ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस इस तरह से लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर ब्लूटूथ आ गया है, तो इसको सिंपली आप इसको ऑन कर लीजिए। इस तरीके से ऑन हो जाता है। अब देखिए ये जो है जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो हमारा एक जो है ब्लूटूथ का नाम होता है, उसी तरीके से ये लैपटॉप में हमारा जो है ब्लूटूथ का नाम है। ओके, हमारे विंडो 10 लैपटॉप का ब्लूटूथ का नाम है। ओके, तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि हमें जो है किसी से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करना है किसी भी मतलब लैपटॉप को या फिर मोबाइल को, तो सिंपली ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर ब्लूटूथ माइक कीबोर्ड ऑडियो वगैरह कुछ इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ से आप किसी भी डिवाइस को पेयर कर सकते हैं जो मतलब आपके जैसे कि मान लीजिए कि आपके फ़ोन से कनेक्ट करना है इसे, तो आप इसे यहाँ पर अपने फ़ोन में पहले ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो वो जो ब्लूटूथ होगा यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी फिर या फिर हो सकता है कि देखिए यहाँ पर शो हो गया मेरा रेडमी नोट का ब्लूटूथ यहाँ पर आ चुका है। इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन में मैसेज जाएगा और उसको आपको अलाउ करना होगा, तब ये पेयर हो जाएगा और इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ़ोन है देखिए योर डिवाइस इज रेडी टू गो, रेडमी जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कैसे, यहाँ पर डन बटन पर क्लिक कीजिए तो देखेंगे कि यहाँ पर रेडमी नोट 9S कनेक्टेड, मतलब हमारा जो रेडमी फ़ोन है वो मेरे लैपटॉप में ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। हम चाहें तो इसको रिमूव डिवाइस पर क्लिक करके हम इसे रिमूव कर सकते हैं किसी अदर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। फिलहाल इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने विंडो 10 लैपटॉप में ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपने लैपटॉप में या फिर विंडो 10 में ब्लूटूथ को ऑन कैसे करते हैं।